देश में जम्मू कश्मीर के युवाओं की पहचान बेहद अलग तरीके से की जाती थी। यहाँ के युवाओं को कभी दहशतगर्द तो कभी पत्थरबाजी के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यहाँ का युवा वर्ग देश के कारपोरेट और प्रोफेशनल क्षेत्र में इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज की, जिन्होंने 15 साल की उम्र में ही पायलट के तौर पर लाइसेंस पाकर देश का नाम रोशन कर दिया है। वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं के लिए आइकन बन गई हैं। पायलट बनने का सपना देखने वाले देश के युवाओं को आयशा अजीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। बता दें कि आयशा अजीज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली हैं। वो जब भी आसमान में जहाज उड़ता देखती थीं, उन्हें लगता था कि काश मैं भी कभी जहाज को उड़ा सकूं। आखिरकार उन्होंने पायलट बनने का संकल्प लिया और आज महज 15 वर्ष की आयु में पायलट बनकर इतिहास रच दिया। आयशा ने सपने को साकार करने के लिए महाराष्ट्र के बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में दाखिला लिया। आयशा अपने बैच में सबसे कम उम्र की छात्रा थी। उन्होंने यहीं से पायलट बनने की पढ़ाई और ट्रेनिंग पूरी की। आयशा अजीज का कहना है कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं लगातार प्रगति कर रही हैं। महिलाओं को अपने मुकाम तक पहुंचने में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो बतौर पायलट आने वाली चुनौतियों को लेकर खुश हैं। पायलट के तौर पर कोई तय पैटर्न नहीं है, ये सुबह 9 और शाम के 5 बजे वाली नौकरी से बिल्कुल अलग है। बतौर पायलट कई जगहों लोगों से मिलने और अलग अलग तरह के मौसम से गुजरना पड़ता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।